कृपया सभी अपने स्थान पर शांति से बैठें। आज उद्योग विभाग की तरफ से नशा निवारण के ऊपर एक छोटी सी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज का जो एक मुख्य विषय है, जो आज चिंता का विषय है सबके लिए, नशा हिमाचल में नशा हर जगह इतना बढ़ रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इन सारे। और हम चाहेंगे कि ये वन वे ना हो। आपकी तरफ से भी अगर कोई प्रश्न है, हमारे बीच एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब आज यहाँ बैठे हुए हैं, किसी के मन में अगर कोई विचार है, कोई बात पूछना चाहता है, तो वो भी स्पेशली मैं बात करूँगा हमारी महिला टीम से। कहीं और किसी के घर में अगर कोई ऐसी समस्या है, मैं तो एक्सपेक्ट कर ढंग होता है, हमेशा चिंता रहते हैं, या ऐसा ना हो कि जैसे मैंने देखा कि एक बंदा मिठाई लेकर घर जा रहा दिवाली दिन, घर पहुंचा नहीं हो, बीवी उसके इंतजार कर रही होगी, जलेबियाँ पड़ी हैं, यही टैक्स के बाद नीचे खड़ा, और वो उसका क्या, उसको मैंने उठाने की कोशिश की, उसका उठाया सारे जोर से बाप बोला मुझे छात में लगाओ, मैं कहा भाई साइड में करो, टांगे कट जाएगी, बस निकल जाएगी ऊपर से। ऐसा नशा करने से कोई फायदा नहीं। दूसरा नशा देखता हूँ झगड़ा होगा आपस में, अरे नशा पी के थोड़ी कुत्ती तो कम हो जाती है, ऐसा नशा भी खतरनाक होता है। इसमें जो ये समारोह रखा हुआ है, हिमाचल सरकार ने इस साल में एक महीने के लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक सभी विभागों के लिए एक नशा के संबंध में कैंपेन चलाया हुआ है। सभी विभाग जिसमें पुलिस भी शामिल है, अपने अपने क्षेत्र में जो है इस संबंध में लोगों को जागृत कर रहे हैं, स्कूलों में भी जागृत, कॉलेजों में जागृत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नशा के बारे जो आपको बताना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे से पहले अलग अलग प्रवक्ताओं ने आपको इस बारे जो है अपने अपने विचार रखे, आपने सुना, तो मैं भी अपना जो एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ। नशा जो है आज जो एक हिंदुस्तान में एक बहुत चुनौती बन के उभर रहा है, जिसमें खासकर पंजाब और हिमाचल और साथ साथ हिमाचल पंजाब के साथ साथ जितने भी हमारे जो बॉर्डर एरिया है, उसमें नशा जो एक चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसके साथ साथ आज नशा जो शिमला किन्नौर लाहौल स्पीति तक भी हिमाचल में पहुंच चुका है। नशा जो है, नशा ये चाहे वो किसी भी किस्म का नशा है, शराब का नशा है, पोपियस का, बुक्की का नशा है, या अफीम का नशा है, या चिट्टे का नशा है। तो सबसे पहले मैं आपको चिट्टे के बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने मैक्सिमम अखबार में या न्यूज़ में पढ़ा होना कि पठानकोट या पंजाब में हर जगह जो है चिट्टा बिक रहा है। तो क्या मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने चिट्टे के बारे में सुना है कि क्या चिट्टा जो नशा है, चिट्टा क्या चीज़ है? तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या चिट्टा आपने देखा है? किसी ने अगर चिट्टा देखा है तो हाथ खड़ा करें। नहीं देखा किसी ने? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चिट्टा नाम का कोई भी वर्ल्ड में नशा, मतलब कोई चीज नहीं है, ठीक है? तो चिट्टा जो है, इसको एक रंग उसका चिट्टा है, तो उसको नाम चिट्टा दिया गया है। चिट्टा मतलब कोई नहीं है पंजाब में, एक भाषा देसी भाषा में पंजाब में इसका नाम रख दिया है चिट्टा, लेकिन चिट्टा नाम का कोई नशा नहीं है। चिट्टा जो है एक अफीम के पेड़ से तैयार होता है, जिसे हम हीरोइन बोलते हैं। हीरोइन का नाम है चिट्टा रखा हुआ, क्योंकि हीरोइन का रंग जो है वो चिट्टा है। तो आप शायद मेरी बात ध्यान से सुन रहे होंगे इस बात को, कि चिट्टा नाम का कोई नशा नहीं, लेकिन हीरोइन जो है उसको ही चिट्टा कहा जाता है, क्योंकि उसका रंग चिट्टा है। जैसे गन्ने का पेड़ है, गन्ने के पेड़ से शक्कर बनती है, गन्ने के पेड़ से गुड़ बनता है, उससे चीनी बनती है, ऐसे ही अफीम का पेड़ है,
अफीम के पेड़ से अलग अलग किस्म के जो है एक चीज़ तैयार होती है, जैसे मतलब अफीम रख लो उसको हम जो ये अफीम खाते हैं उनको पता है दूध बोलते हैं उसको अपनी देसी भाषा में, जैसे चिट्टा बोलते हैं उसको दूध बोलते हैं। तो पोती अस्क पुकी जो अफीम के पेड़ की जो टहनी होती है उसको पीस लिया जाता है और उसकी पुकी तैयार हो जाती है जिसको पोती अस्क बोलते हैं इंग्लिश में, तो बुक्की वैसे बोलते हैं हिंदी में। तो इस अफीम के पेड़ से जो है अफीम से ही जो तैयार होती है हेरोइन, और ब्राउन शुगर है उसको स्मैक बोलते हैं, वो भी अफीम के पेड़ से तैयार होती है। उसका रंग जैसे हमारे चूल्हे की धूल होती है ना, स्मैक की ऐसे होती है। तो क्या स्मैक देखी है किसी ने? सुना तो ना स्मैक पड़ी या पंजाब में। तो कुछ बंदे यहाँ हमारे पास यहाँ बैठे होंगे पठानकोट के होंगे या डमटाल के भी होंगे, कौन कौन है रात कड़ा करना डमटाल साइड के कौन है? तो मैं आप जो डमटाल के या इधर मीलवा साइड के पठानकोट के, इनको पता है कि चिट्टा क्या चीज़ है, इनको पता है क्योंकि घर घर में आज चिट्टा जो है डमटाल एरिया पठानकोट एरिया में हो चुका है। इधर जिधर तलवाड़ा में भी ऐसा देखने में आ रहा है। तो अभी हमारा जो टैर्स एरिया जो इससे बचा हुआ है, तो ये लोग आपने ये टैर्स वाले जन मैं अपने युवा वर्ग से ही एक प्रार्थना करता हूँ कि ये अभी अब हम 16 साल से बाद जब 17-18 साल के बाद हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं, तो हमें ये एक नशे की तरफ चल पड़ते हैं हम एक दूसरे को, हम इसे सोचते हैं कि फैशन हो गया पेशाब पीना या सिगरेट पीना एक फैशन हो गया है, ये हम सोच के एक दूसरे के मगर लड़ पड़ते हैं। तो मेरा ये सभी से आपसे ये है कि नशे की लत से जितना आप दूर रहेंगे उतना ही हम उन्नति कर पाएंगे, क्योंकि जो किसी के राष्ट्र की जो जनता होती है वो सबसे बड़ा धन है। यदि हमारे युवा वर्ग जो है वो ये नशे की लत में लग जाए तो ये हमारा ये संसार, ये हमारा ये देश है, हमारा प्रदेश है, ये हमारी सोसाइटी है, वो कभी भी उन्नति नहीं कर सकती। नशे से जो मैं हानि हम आपको बताता हूँ, नशा करने वाला व्यक्ति जो शराब पीता है वो शाम को शराब इतनी पी लेता है कि उसको घर में जाके अपने माँ बाप भाई बहन से सब लोग जो फैक्ट्री से आए हैं वर्कर्स और एचआरस मैनेजर्स जो भी यहाँ इस मंच पर आए हुए हैं सबका मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इस बात के लिए चुना कि नशे के बारे में कुछ बताया जाए। उससे पहले मैं थोड़ा सा टीवी के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि टीवी का प्रोग्राम जो है वो अभी ख़त्म होने जा रहा है, हमें एक हफ्ता हो चुका है और एक हफ्ता और चलेगा। तो इसमें हमने जो पॉपुलेशन हमारी थी उसमें 10% में सर्वे करना था, अभी कुछ और बचा हुआ है। तो फैक्ट्री के लोगों से मेरी ख़ास तौर पर प्रार्थना रहेगी, हम जहाँ भी जा रहे हैं ना वहाँ सब लोग पहले बोलते हैं कि हमें खांसी भी है बलगम भी है, पर वो इस डर से कि कहीं हमें अगर मारे कोई बीमारी निकल गई कुछ और हो गया तो ऐसा ना हो कि हमें जॉब से निकाल दिया जाए या कुछ और कारणों से कि सबको पता चल जाएगा मेरे को कोई बीमारी है, उस वजह से लोग सामने नहीं आ रहे। तो मैं इस मंच से ये कहना चाहूँगा कि जिन भी लोगों को कोई प्रॉब्लम है, जो कि मैं अभी सारे सिम्टम दोबारा से बता दूँगा, किसी को भी है तो वो अपनी जो भी सैंपल है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दें, हम लोग उनके सैंपल टेस्ट करवा के जो भी रिपोर्ट होगी उनको दे देंगे और उनकी दवाई भी फ्री दी जाएगी।